तो यहाँ पर दोस्तों पेबल ब्रांड ने अपनी एक स्पोर्टी लुक एंड फील की एमोलेड डिस्प्ले के साथ स्मार्ट वॉच लॉन्च किए। तो हम लोग यहाँ पे एक पार्क में आए हुए हैं ताकि इसकी प्रॉपर तरीके से हम टेस्टिंग कर पाएं स्पोर्टी लुक में। सारी आप टेस्टिंग देखिए इस वीडियो में आराम से। हम 73 स्टेप्स चल के आए हैं, चेक करते हैं स्मार्ट वॉच पे कि भाई अब पार्क में आ ही गए हैं तो लग गया थोड़े हाथ पर भी चला ही लेते हैं। तो स्मार्ट वॉच के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ तुम्हें कैसी आ रही है? तो क्या हाल है दोस्तों आप लोगों के? यहाँ पर पेबल ब्रांड ने अपनी एक रगेड स्पोर्टी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच लॉन्च की है, दैट इज पेबल कॉस्मोस क्वेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच। प्राइसिंग है 3000 रुपीज के आसपास, प्राइस पॉइंट थोड़े बहुत फ्लक्चुएट होते रहते हैं। मैंने बेस्ट पॉसिबल लिंक्स दे दी हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इसका करंट प्राइस चेक कर सकते हैं। और मैं इसके आउटपुट को लेके, बिल्ड क्वालिटी को लेके पर्सनली काफी इंप्रेस हुआ हूं। इसमें आपको 1.43 इंच का एमोलेड इन्फिनाइट डिस्प्ले मिल जाएगा, सर्कुलर डिस्प्ले, साथ ही में ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर। एक एक आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा, हम लोग बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हैवी ग्रिलिंग करेंगे स्मार्ट वॉच की ताकि एंड तक पहुंचते पहुंचते सब आप देख लें। अगर आप एक स्पोर्टी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हैं, एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर ही लेंगे कि इसको आपको ऑप्शन में रखना चाहिए कि नहीं। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो करते हैं शुरुआत इस प्रीमियम की बॉक्स की अनबॉक्सिंग के साथ। तो यहाँ पर आपको पेबल कॉस्मोस क्वेस्ट ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच का ऐसे आपको बिल्कुल बढ़िया सा बॉक्स मिल जाएगा। बैक साइड में काफी फीचर्स मेंशन किए गए हैं, हम सब डिटेलिंग चेक करेंगे वीडियो में आगे। इसको अब अनबॉक्स करेंगे तो आपको अंदर एक और बॉक्स मिलने वाला है, जो बिल्ड क्वालिटी है बॉक्स की, मतलब जो लुक एंड फील है बॉक्स का, उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है। सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक 1 ईयर की ब्रांड वारंटी कार्ड, वारंटी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही में एक यूजर मैनुअल मिल जाएगा, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा स्क्रीन प्रोटेक्टर दिया गया है, इसको अप्लाई करने की किट भी दी गई, ये भी एक प्लस पॉइंट है। एक यहाँ पे आपको बढ़िया लेंथ की चार्जिंग केबल मिल जाएगी टू चार्ज योर स्मार्ट वॉच। और मेन प्रोडक्ट की बात करेंगे, दिस इज द स्मार्ट वॉच यू विल बी गेटिंग। और इसका फिजिकल ओवरव्यू चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 22 mm के आपको सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, ऐसे टेक्सचर मटेरियल यूज किया गया है। क्वालिटी काफी प्रीमियम मेंटेन की गई है स्ट्रैप्स की, इसको आप डिटैच भी कर सकते हैं, प्रॉपर हिंजेस मिल जाएंगे। और वॉच के बैक साइड में आपको चार्जिंग पॉइंट, सेंसर्स, बिल्ट इन आपको स्पीकर मिलेगा, माइक्रोफोन मिलेगा। हम आगे कॉलिंग टेस्ट करेंगे कैसा इसका आउटपुट है। और यहाँ पर आपको साइड में पेबल की ब्रांडिंग मिल जाएगी, दो आपको बटन्स मिलने वाले हैं, यहाँ पे आपको एक क्राउन की फंक्शनलिटी मिल जाएगी। और पूरी यहाँ पे आपको बोल सकते हैं टफ, आपको यहाँ पे रगेड लुक एंड फील की आपको स्मार्ट वॉच मिलने वाली है, बिल्ड क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मेनली आपको बिल्कुल स्पोर्टी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच चाहिए, सर्कुलर डिस्प्ले चाहिए, प्रीमियम लुक एंड फील चाहिए, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। और फ्रंट में आपको 1.43 इंच का एमोलेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है, व्यूइंग एंगल्स काफी आपको परफेक्ट मिल जाएंगे, इसके इंडोर कंडीशन की ब्राइटनेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड यूआई की स्मूथनेस की बात करेंगे, यूआई भी काफी आपको स्मूथ मिलने वाला है, आराम से बिल्कुल स्मूथ तरीके से यूआई को एक्सेस कर पाएंगे, यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच की यूआई को। और जो साइड में दो बटन दिए गए हैं, जो ऊपर वाला बटन है ये क्राउन की फंक्शनलिटी है, इसको वैसे रोटेट करके जो वॉच फेसेस है उसको आप चेंज कर सकते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वालिटी के वॉच फेसेस दिए गए हैं। या फिर जो मेन्यू है इसको भी आप स्क्रॉल कर सकते हैं क्राउन को यूज करके। और जो नीचे वाला बटन है उसको अगर आप सिंगल प्रेस करेंगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं, इससे आपको 100+ स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाएंगे, कुछ आपको बिल्ट इन स्पोर्ट्स मोड्स मिलने वाले हैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच में, बाकी आप एप्लीकेशन पार्ट से यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसके सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, सेंसर्स को लेकर मैं काफी इंप्रेस हुआ हूँ, मैंने हाथों में टाइटली स्मार्ट वॉच को पहना था और लगभग यहाँ पे घूम फिर के अप्रॉक्सीमेटली 73 स्टेप्स चल के आया था, और स्मार्ट वॉच में एक्जैक्टली आपको 73 स्टेप्स ही दिखा रहा था। मेनली अगर आप फिटनेस फ्रीक है, आपको स्पोर्ट्स एक्टिविटीज से मतलब है, इसमें सेंसर्स काफी आपको एक्यूरेट मिलने वाले हैं। फिटनेस फ्रीक है आप, इसको आप डेफिनेटली उस पर्पज के लिए चेकआउट कर सकते हैं। और ओवरऑल फीचर्स की बात करेंगे, यहाँ से अगर आप स्क्रीन से स्वाइप डाउन करेंगे तो आपको शॉर्टकट्स मिलने वाले हैं मल्टीपल, इसमें आपको ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। आउटडोर कंडीशन की ब्राइटनेस की बात करेंगे, आउटडोर कंडीशन में ब्राइटनेस फुल कर दी, और जो एमोलेड डिस्प्ले है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, अगर आप हैवी सनलाइट में भी हैं यूज करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, परफेक्ट आपको ब्राइटनेस मिलने वाली स्मार्ट वॉच की आउटडोर कंडीशन में। यहाँ पर आपको बैटरी सेविंग का ऑप्शन मिलने वाला है, डू नॉट डिस्टर्ब मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं, ब्लूटूथ कॉलिंग के फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट मिल जाएगी, इमरजेंसी के टाइम पे इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी स्मार्ट वॉच के बारे में, फाइंड माई डिवाइस का ऑप्शन, सेटिंग्स में आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिलने वाली है, यहाँ पे आपको मेन्यू में मल्टीपल आपको मेन्यू व्यू मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कौन सा मेन्यू व्यू पसंद है अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो ऊपर क्राउन का बटन है उसको अगर आप डबल प्रेस करते रहेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन्यू स्विच होते रहते हैं, ये शॉर्टकट दिया गया है मेन्यू स्विच करने का, जो आपको पसंद आया मेन्यू सिलेक्ट करके यूटिलाइज कर सकते हैं। डिस्प्ले में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल वॉच फेसेस मिल जाएंगे, चेंज कर सकते हैं, ब्राइटनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, स्क्रीन टाइम में यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम, मैक्सिमम 30 सेकंड्स का स्क्रीन टाइम दिया गया है, सिलेक्ट कर सकते हैं आप। यहाँ पर आपको रेस टू वेक फीचर का ऑप्शन मिल जाएगा, कितनी देर तक आपको रेस टू वेक फीचर ऑन रखना है यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और उसका रेस टू वेक फीचर परफेक्ट तरीके से वर्क करता है, जब भी आप स्मार्ट वॉच को ओपन करेंगे प्रॉम्प्ट आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं लगी उसको लेके। और यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलने वाला है, इसको आप जैसे ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, डिजिटल क्लॉक और एनालॉग क्लॉक का ऑप्शन। डिजिटल क्लॉक
में आपको ऐसा लुक एंड फील का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाएगा, एनलॉक लॉक में आपको ऐसा लुक एंड फील का ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलने वाला है। और इसका जो रेस जो एक फीचर है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी वर्क करता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होगा, आप रेस जो एक फीचर ऑन करेंगे मतलब स्क्रीन को ऊपर करेंगे आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिल जाएगा स्मार्ट वॉच का। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है बैटरी का ऑप्शन जिसमें आपको बैटरी परसेंटेज दिखा देगा, पावर सेविंग मोड में ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। वाइब्रेशन इंटेंसिटी में आपको वाइब्रेशन की इंटेंसिटी सॉफ्ट चाहिए कि स्ट्रॉन्ग चाहिए कि ऑफ करने हैं वाइब्रेशन अलर्ट्स, यहाँ से आप कर पाएंगे। लैंग्वेज में आप जाएंगे तो इंग्लिश के अलावा यहाँ पे आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मिलने वाली है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको इंग्लिश ही प्रेफरेबल रहेगी, बाकी यहाँ पे आपको पल्ले नहीं पड़ने वाली है। क्यूआर कोड में आपको क्यूआर कोड दिया गया एप्लीकेशन का, हम आगे डिस्कस करेंगे ऐप कैसे एप्लीकेशन वर्क करती है। यहाँ पे आप टाइमिंग सेट कर सकते हैं, आपको 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए कि 24 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए, टाइम सेट कर सकते हैं। सिस्टम में यहाँ पे आपको सिस्टम इन्फो, शटडाउन, रीस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, रीसेट का ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये सब आपको चीजें मिल जाएंगी इसके सेटिंग्स पार्ट में। स्क्रीन से स्वाइप अप करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिलने वाला है नोटिफिकेशन पार्ट को लेके, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्प्ले पार्ट को लेके कोई दिक्कत नहीं लगी, यहाँ पे आपको लिमिटेड डिस्प्ले मिलने वाला है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप राइट करेंगे तो आपको शॉर्टकट मिल जाएगा स्टेप काउंटिंग को लेके, कितने अपने स्टेप चले हुए हैं, कितनी कैलोरीज बन की हुई, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर का ऑप्शन, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, वेदर इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, ऐसा आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, चेकआउट कर सकते हैं। म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन मिलने वाला है, यहाँ पे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करके फोन का म्यूजिक जो है प्ले पॉज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच के थ्रू, ट्रैक्स आप चेंज कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं वॉल्यूम को डायरेक्टली स्मार्ट वॉच के थ्रू, लेकिन जो बिल्ट इन स्पीकर दिया गया उसके थ्रू आप म्यूजिक प्ले नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे आपको सिंपली म्यूजिक कंट्रोल का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको कुछ ऐड करने के ऑप्शन दिया गया, कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं शॉर्टकट यहाँ से अपने हिसाब से। और यहाँ से स्क्रीन से स्वाइप लेफ्ट करेंगे तो जितनी भी आपके एप्लीकेशन से स्मार्ट वॉच की यहाँ से आप एक्सेस कर पाएंगे। इसमें आपको फोन का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रॉपर आपको डायल पैड मिलने वाला है, कॉलिंग कर सकते हैं, किसी का कॉल आएगा तो एक्सेप्ट कर सकते हैं, कॉल को रिजेक्ट कर सकते हैं। अब लगे आते ले लीजिए ब्लूटूथ कॉलिंग का टेस्ट। हेलो, हाँ दीक्षा, क्या चल रहा है? बस कुछ नहीं, लंच की तैयारी हो रही थी, रोटियां बना रही हूं। रोटियां बन रही हैं, ओके यार। यहाँ पे मेरे पास अभी ना पेबल ब्रांड की तरफ से पेबल क्वेस्ट करके एक यहाँ पे स्पोर्टी लुक एंड फील की ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्टवॉच लॉन्च हुई है। हाँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा पार्क में आया हूँ, पार्क साइड में, तो स्मार्ट वॉच के थ्रू बातचीत कर रहा हूँ, तो मेरी आवाज तो मैं कैसी आ रही है? आवाज तो काफी क्लियर है। अच्छा, लाउडनेस भी अच्छी है, थोड़ी सी बैकग्राउंड की एक्टिविटी हल्की फुल्की कैच हो रही है, लेकिन वो कॉलिंग को इफेक्ट नहीं कर रही है। तो ऐसा कोई दिक्कत आ रही कॉलिंग पार्ट को लेके, लाउडनेस को लेके, क्लैरिटी को लेके? नहीं, लाउडनेस तो अच्छी है और क्लैरिटी भी अच्छी है, मतलब कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ओवरऑल सही है कॉलिंग इसकी? हाँ, अच्छी है। ठीक है दीक्षा, थैंक यू। और कॉलिंग के टाइम पे आप म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, कॉल को स्पीकर की लाउडनेस को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं और कॉल रिजेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर इसका सही तरीके से वर्क करता है, उसको लेके मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। एंड साथ ही में आपको कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शन, कॉल रिकॉर्ड चेकआउट कर सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट का फीचर मिल जाएगा, जैसे कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे अगर आप यहाँ पे स्मार्ट वॉच में टैप करेंगे जो भी आपका फोन का वॉइस असिस्टेंट फीचर है एक्टिवेट हो जाएगा, हिसाब से आप कमांड देकर यूटिलाइज कर पाएंगे। डेटा चेकआउट कर सकते हैं, वर्कआउट रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, स्लीप मॉनिटरिंग सेंसर, ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट, स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन। सेंसर्स की एक्यूरेसी की बात करेंगे, आप देख सकते हैं जो रीडिंग है काफी आपको क्लोज बिल्कुल मैच कर रही है स्मार्ट वॉच में, इंस्ट्रूमेंट किट में हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर को लेके ऑलमोस्ट आपको क्लोज रीडिंग मिल जाएगी इसके ब्लड ऑक्सीजन मेजरमेंट को लेके। स्ट्रेस मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिया गया है, कितनी आपकी जो रीडिंग्स रहती है नॉर्मल कितनी रहती है, ज्यादा स्ट्रेस कितनी रहती है, रीडिंग्स आप चेकआउट कर सकते हैं आपका कितना स्ट्रेस है, कैजुअल पर्पज के लिए स्मार्ट वॉच को यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन सेंसर्स काफी आपको एक्यूरेट मिलने वाले हैं, उसको लेकर मुझे ज्यादा दिक्कत फेस नहीं हुई। साथ ही में मैसेजेस का ऑप्शन, वेदर इन्फॉर्मेशन, फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग का ऑप्शन मिलने वाला है, ये भी एक प्लस पॉइंट, इसको भी यूटिलाइज कर पाएंगे। म्यूजिक कंट्रोल, जेन मोड मिल जाएगा अगर आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत रिलैक्स करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। स्टॉप वॉच, टाइमर, अलार्म क्लॉक, टाइमिंग सेट कर सकते हैं यहाँ से। फाइंड माई फोन का ऑप्शन, बिल्ट इन आपको कैलकुलेटर मिल जाएगा, एमरजेंसी के टाइम पे यूटिलाइज कर सकते हैं। कैलेंडर आपको मिलने वाला है, सेटिंग्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ क्या क्या आपको मिलने वाला है। तो ये सब आपको भर भर के फीचर्स मिलने वाले स्मार्ट वॉच में, फीचर्स पार्ट को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, बड़ी आपको इंप्रेसिव फीचर्स मिल जाएंगे। साथ ही में इसमें आपको IP67 वाटर रेजिस्टेंट फीचर दिया गया है, पानी के स्प्लैशेस लगते हैं अगर आप वर्कआउट्स करते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करते हैं, स्वेट आता है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली स्मार्ट वॉच को। और एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, यहाँ पर आपको फिट क्लाउड प्रो एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, जैसे आप कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे फ्रंट पेज पे जितनी आपने एक्टिविटीज की हुई है स्टेप काउंटिंग को लेके, सेंसर्स पार्ट को लेके, यहाँ से आप प्रॉपर तरीके से ट्रैकआउट कर सकते हैं। और डिवाइस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सेटिंग्स मिल जाएंगे, पुश नोटिफिकेशन में आप जाएंगे आपको कौन कौन से नोटिफिकेशन चाहिए एप्लीकेशन पार्ट के स्मार्ट वॉच में, यहाँ से आप ऑन और ऑफ कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं, एक्टिविटी रिमाइंडर, ड्रिंक वाटर रिमाइंडर। डायल लाइब्रेरी में आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल क्लाउड बेस्ड वॉच फेस मिलने वाले हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटी के जो आपको वॉच फेस पसंद है यहाँ से आप सिलेक्ट और डिसलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप एडिट पर जाएंगे तो यहाँ पे आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपको फोन से पिक्चर लेनी है, आपके कैमरा से आपको पिक्चर लेनी है, स्मार्ट वॉच में आपको लगानी है, यहाँ पे अपना फेस लगाना है, यहाँ से आप कर पाएंगे। स्टाइल चेंज कर सकते हैं, टाइम का पोजीशन चेंज कर सकते हैं, प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी यहाँ पे। पुश नोटिफिकेशन में आप जाएंगे स्पोर्ट्स पुश में यहाँ पे, तो मल्टीपल आपको 100+ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिलने वाली है जो आप एक्टिविटीज करते हैं यहाँ से आप सिंक्रोनाइज कर सकते हैं स्मार्ट वॉच में।
साथ ही में वेदर रिपोर्ट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, रेस टू वेक फीचर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर, फाइंड माई वॉच का ऑप्शन, रिस्क प्रेफरेंस में आप लेफ्ट हैंड में स्मार्ट वॉच को पहनते हैं, राइट हैंड में पहनते हैं सेट कर सकते हैं, ओवरऑल स्टाइल आपको कैसा चाहिए, 12 आवर्स का फॉर्मेट चाहिए कि 24 आवर्स का ओवरऑल स्टाइल चाहिए सेट कर पाएंगे। फ्रीक्वेंट कॉन्टेक्ट में आपको मल्टीपल कॉन्टेक्ट सेव करने का ऑप्शन मिल जाएगा जो भी आपके फेवरेट दोस्त हैं। साथ ही में शेक फोटोग्राफी में जाएंगे, यहाँ पे आप सिंपली स्मार्ट वॉच में शटर दिया गया उसको आप टैप करेंगे तो एप्लीकेशन पैर के थ्रू पिक्चर ले ली जाएगी। फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको मिलने वाला है वुमेन हेल्थ का ऑप्शन, साथ ही में आपको गूगल फिट का ऑप्शन मिल जाएगा, मल्टीपल यहाँ पे आपको गोल सेट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं, एप्लीकेशन काफी यूजफुल है, इसको आप सिंक्रोनाइज करके सारे के सारे फीचर एक्सेस कर पाएंगे स्मार्ट वॉच के। बैटरी बैकअप की बात कर लेंगे, बैटरी बैकअप का हिसाब किताब अगर आप बिल्कुल उसका हैवी यूसेज करते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग ज्यादा करेंगे, लगभग आपको यहाँ पे 1.5 से 2 दिन के आसपास आपको हैवी यूसेज पे बैटरी लाइफ मिलने वाली है। नॉर्मल यूसेज करेंगे, ब्राइटनेस एडिक्वेट रखेंगे, ब्लूटूथ कॉलिंग नॉर्मल तरीके से डिसेंट तरीके से यूज करेंगे, एवरेज यूसेज लगभग आपको 5 से 6 दिन के आसपास आपको बैटरी लाइफ मिल जाएगी। डिसेंट यहाँ पे आपको बैटरी लाइफ मिलने वाली है सर्कुलर एमोलेड डिस्प्ले के हिसाब से और ब्लूटूथ कॉलिंग फीचर के हिसाब से, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल जस्टिफाई करती है स्मार्ट वॉच इसके जो फीचर्स हैं, आउटपुट है, बिल्ड क्वालिटी है, बिल्कुल जस्टिफाई करती है, इसको आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। सेंसर्स काफी आपको एक्यूरेट मिलने वाले हैं अगर आप फिटनेस फ्रीक है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ज्यादा आप करते हैं, आपको स्पोर्टी लुक एंड फील की स्मार्ट वॉच इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पॉसिबल लिंक्स है डिस्क्रिप्शन में, आप चेकआउट करके ग्रैब कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत है, आपको कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द अनबॉक्सिंग रिव्यूज, कंप्लीट टेस्टिंग एंड माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ द रिसेंटली लॉन्च पेबल कॉस्मोस क्वेस्ट स्पोर्टी लुक एंड फील स्मार्ट वॉच। Hope you like this one, and as I told you, if you are new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.